आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 70,08,947 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 55,839 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 702 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 116,681 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कोरोना के 402 नए मामले सामने आए, जबकि 8 मरीजों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 402 संक्रमित मामले मिले। वहीं 568 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब कुल संक्रमितों की संख्या 59,508 हो गई है, जिनमें से 53,200 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को 11,297 सैंपल जांच में निगेटिव पाए गए, जबकि 402 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। देहरादून जिले में 107 मरीज मिले हैं, पौड़ी में 48, नैनीताल में 46, रुद्रप्रयाग में 37, हरिद्वार में 32, चमोली में 28, उधमसिंह नगर में 27, टिहरी में 19, अल्मोड़ा में 15, उत्तरकाशी में 14, बागेश्वर में 11, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में 9 संक्रमित मामले सामने आए। प्रदेश में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3, एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, जिला अस्पताल उधमसिंह नगर में 1, इंद्रेश हॉस्पिटल में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 968 पहुंच गई है। UPCL GM और 3 इंजीनियर समेत 6 निलंबित किए गए हैं, तो करोड़ों रुपए की बकाया राशि की वसूली में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रबंधक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 महाप्रबंधक, 2 अधीक्षण अभियंता और 1 अधिशासी अभियंता समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ऋषिकेश में सड़क किनारे डेरे में सो रहे बागड़ियों पर चढ़ा ट्रक, 2 की मौत हो गई। तो दून हाईवे पर इंद्रमणि बडोनी चौक निकट रामा प्लेस हाईवे पर दौड़ता तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे निवास कर रहे 2 बागड़ियों के डेरे में घुस गया। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टीके का परीक्षण कर रही कंपनी पर साइबर हमला, तो भारत में कोरोना वायरस के रूसी टीके स्पुतनिक 5 का परीक्षण कर रही दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी पर साइबर हमला हुआ है। कंपनी ने दुनिया भर के सभी डाटा केंद्रों की सेवाओं को बंद कर दिया है। वीजा से रोक हटी, पर्यटकों के सिवा सभी विदेशी नागरिक आ सकते सकेंगे भारत। तो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा और पर्यटन को छोड़कर हर तरह की वीजा पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कोरोना के चलते 8 महीने से लगी रोक हटाते हुए भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, भारतवंशी कार्डधारक समेत सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी गई है। 10 नवंबर तक जमा हो पाएंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। तो उत्तराखंड बोर्ड शिक्षा बोर्ड ने 2021 में 10वीं और 12वीं की संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षा के लिए आवेदन का फॉर्म अब 10 नवंबर तक जमा हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, तो केदारनाथ में गुरुवार की सुबह मौसम का मिजाज बिगड़ गया। वासुकी ताल और दुग्ध गंगा की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। सुबह 11 बजे धाम में बर्फ़ गिरने लगी, जो करीब 3 घंटे तक होती रही। हालांकि वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन की टीम प्रभारी कैप्टन शोभन सिंह ने बताया कि बर्फ़ टिक नहीं पाई। तुंगनाथ में भी हिमपात, तो द्वितीय केदार मधमहेश्वर और तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ धाम के ऊपरी क्षेत्रों में भी सीजन की पहली हिमपात हुआ है। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फार्मूला तय हो गया है। तो बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए फार्मूला तय, तो सरकार ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती का फार्मूला तय कर दिया। वर्ष 2018 में लंबी 400 पदों पर उसी वर्ष की नियमावली से ही भर्ती होगी। तो जो 2018 में जो भर्ती निकली हुई थी वो मेरिट के आधार पर ही होगी, जबकि दूसरे चरण में करीब 1500 पदों पर 2019 की बेसिक शिक्षक नियमावली से नियुक्तियाँ की जाएंगी। इस फैसले का असर केवल बीएड बेरोजगारों पर पड़ेगा, जबकि डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए दोनों भर्तियों के मानक समान रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि 2018 की जो लंबित भर्ती थी वो मेरिट के आधार पर ही उसमें नियुक्ति दी जाएगी, जबकि 2019 में जो 1500 पदों पर भर्ती निकलेगी इसमें जो है वो यहाँ पर ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को बताया कि भर्ती को लेकर के न्याय विभाग से राय मांगी गई थी। न्याय विभाग ने वर्ष 2018 की लंबित भर्ती को पूर्व में लागू नियमों के अनुसार ही कराने की राय दी है। तो इस प्रकार से जिस आधार पर विज्ञप्ति निकली थी उसी आधार पर यह भर्ती होने जा रही है। अब इस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार इस फॉर्मूले का असर बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को ही पड़ेगा। वर्ष 2018 की नियमावली के अनुसार टीईटी मेरिट के आधार पर ही उनका चयन होना था। वर्ष 2019 में संपूर्ण अकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर चयन होना है। दूसरी तरफ डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए
चयन का मानक पूर्व की तरह 60% अकेडमिक और 40% टीटी मेरिट ही रहेगा। वर्ष 2018 में बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 40 से ज़्यादा रिट दायर हो जाने की वजह से रोक दिया गया था। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इस भर्ती को अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था। सूत्रों के अनुसार सरकार पूर्व की लंबित और नई करीब 1500 पदों पर एक साथ नई नियमावली से भर्ती करने पर विचार कर रही है, लेकिन न्याय विभाग ने पूर्व में जारी पदों पर पूर्व की व्यवस्था से ही कार्रवाई करने की राय दी है। डीएलएड बेरोजगारों का अनशन शुरू, तो बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के आंदोलित डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने गुरुवार को भी कार्मिक अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का स्थायी रिकॉर्ड बनेगा, तो बेसिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों और शैक्षिक आरक्षण समेत सभी दस्तावेज अब से उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रहेंगे। इसी के बाद भविष्य में किसी भी जांच या जरूरत पड़ने पर शिक्षकों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी खुद जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। बिना हेलमेट वालों को घर भेजा गया, तो रॉन्ग साइड चलने वाले और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन और पुलिस विभाग ने ऑपरेशन गो बैक शुरू किया है। पहले दिन गलत साइड वाहन चलाने पर 10 और बिना हेलमेट में 55 समेत कुल 84 वाहनों के चालान किए गए। बिना हेलमेट वालों को रास्ते से वापस लौटा दिया गया। अभियान आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा। विरोध के बीच धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण ध्वस्त किया गया, तो शिमला बाईपास प्रेमनगर जीएमएस रोड रेस कोर्स में कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बने धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। केमिस्ट से लूट में शार्प शूटर समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है, तो शहर कोतवाली पुलिस ने केमिस्ट से लूट के मामले में कुख्यात संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा गैंग के शार्प शूटर समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर टिफिन बरामद किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। दून में चोरी विक्रम, हरिद्वार में मिला आरोपी धरा गया है, तो रायपुर पुलिस ने 3-व्हीलर विक्रम चोरी में युवक को गिरफ्तार किया है। विक्रम हरिद्वार के रोशनाबाद में सवारी को लाने और छोड़ने में प्रयोग किया जा रहा था। वहीं खबर आई देहरादून से, जहां पर शादी में युवती के साथ छेड़छाड़, तो शादी में आई युवती से छेड़छाड़ हो गई है। रायपुर पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में खोला जाएगा अंडा बैंक, तो कोरोना काल में जरूरत मंद बच्चों को की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए देहरादून में रोटरी क्लब की ओर से अंडा बैंक खोला जा रहा है। इसमें अनाथ और वृद्ध आश्रम में रहने वाले बच्चों बुजुर्गों समेत अन्य जरूरतमंदों को अंडे दिए जाएंगे। रोटरी क्लब की ओर से रायपुर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में यह संकल्प लिया गया है। कांस्टेबल के प्रमोशन न होने से अटकी भर्ती, तो 1700 सिपाही और दरोगा के पदों पर होनी है भर्ती। तो उत्तराखंड में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं होने से भर्ती के लिए पद उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड में गत 5 साल से पुलिस भर्ती नहीं हुई है। अब मुख्यालय ने हरिद्वार कुंभ से पहले 1700 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया था। लंबे समय से प्रक्रिया जारी होने के बावजूद अब इस पद रिक्त होने का पेच फंस गया है। दरअसल भर्ती रिक्त पदों के सापेक्ष होनी है, लेकिन शासन ने अभी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। इस कारण अब तक करीब 400 पद ही विभाग के पास उपलब्ध हैं। बदलते मौसम ने हिमालय क्षेत्रों में भालुओं की नींद उड़ाई, तो जलवायु परिवर्तन और कम बर्फबारी के बीच भोजन की कम उपलब्धता ने हिमालयी क्षेत्र के भालुओं की नींद उड़ा दी है। करीब 4 माह की शीत निंद्रा कम होने से भालू अधिक आक्रामक होकर भटक रहे हैं। चौबट्टा खाल में दलित छात्रा से दुष्कर्म करने का प्रयास, तो खबर है सतपुली से, जहां पर चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र में दिन दहाड़े दलित छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने में असफल रहने वाले आरोपी युवक ने छात्रा के सिर पर पत्थर से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा को उपचार के लिए कोटद्वार बेस अस्पताल भर्ती कराया गया। वही खबर है, भीमताल में युवती को गुलदार ने मार डाला, तो ओखलकांडा में तुसराड गांव में किशोरी की मौत के घाट उतारने के दूसरे दिन गुलदार ने बजवाल गांव में देर रात शाम एक और युवती को मार डाला। हंसी की मदद के नाम पर
कहीं ठगी ना हो, तो हंसी की मदद के नाम पर ऑनलाइन ठग लोगों को चूना लगा रह सकते हैं। इसको देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने लोगों से हंसी की मदद के नाम पर किसी के खाते में पैसे न डलवाने की अपील की है। वहीं खबर है कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने से महिला की मौत हो गई। तो कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने के बाद महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पौड़ी की रामलीला फेसबुक पर तो श्री रामलीला मंचन एवं सांस्कृतिक समिति कर रही है आयोजन। बद्रीनाथ हाईवे आज खुलने की संभावना। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में यातायात के लिए खोलने का फैसला शुक्रवार को प्रशासन करेगा। एनएच ने हाईवे पर आई चट्टान को हटाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। प्रशासन ने एनएच को 3 दिन का समय दिया था। तोता घाटी में कटिंग और ब्लास्टिंग के दौरान चटकी हुई चट्टानें खतरे का सबब बनी हुई थी। चटकी हुए करीब 7 बोल्डर कभी भी गिरने की स्थिति में थे। सोमवार को देहरादून से पहुंची भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने तोता घाटी में निरीक्षण के दौरान चटकी हुई चट्टानों को तत्काल हटाने का सुझाव दिया था, जिस पर SDM कीर्ति नगर आकांक्षा वर्मा ने एनएच को 3 दिन में सभी चटकी हुई चट्टानों को हटाने के लिए निर्देश दिए थे। दशहरा मेले में नियमों का पालन करना होगा चुनौती। तो दशहरा मेले में COVID-19 के नियमों का पालन कराना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सांकेतिक मेले की अनुमति लेने के साथ ही लोगों की भीड़ आना तय है। गुजरात की महिला ने की आत्महत्या। तो हरिद्वार में गुजरात की महिला ने श्रवणनाथ नगर के एक होटल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं खबर आई है पथरी डोगीवाला से, जहाँ पर दहशत बनी हुई है। तो पहले भी कई बार गांव में आ चुका है गुलदार। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की गुहार लगाई है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे ठगों ने बुजुर्ग महिला के खाते से उड़ाए 4,67,000 रुपये। तो रानीपुर कोतवाली के शिवालिक नगर का है मामला। साइबर सेल इंचार्ज ने बताया 2 दिन में खाते में आ जाएंगे रुपये। वहीं खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे ऑटो से रुड़की आ रही शिक्षिका की चैन उड़ाई गई है। तो शिक्षिका ने 2 महिलाओं पर जताया चैन चोरी का शक। पुलिस ने आसपास के CCTV और ऑटो खंगाले हैं। पिजड़े में मुर्गा आबादी में गुलदार। तो नगर में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग संसाधन विहीन है। अब पिजड़े में डालने के लिए विभाग को बकरी भी नहीं मिल रही है। विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए मुर्गी का सहारा लिया है। पिजड़े में मुर्गी लटकाकर गुलदार का शिकार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुलदार पिजड़े में फंसना तो दूर, आसपास भी नहीं भटक रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि जब पिजड़े में शिकार ही नहीं होगा तो गुलदार उसे उसमें कैद कैसे होगा। प्रवासी नहीं रुके, 4 जिलों में 30% महानगरों को लौटे। तो लॉकडाउन के दौरान कुमाऊं के 4 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे करीब 30% प्रवासी दोबारा महानगरों की ओर लौट चुके हैं। देवीधुरा में बारिश और चंपावत में बढ़ी ठिठुरन। तो चंपावत में ठंड ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को चंपावत में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। उधर देवीधुरा क्षेत्र में दोपहर बाद करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। परिवहन निगम कर्मियों को जल्द मिलेगा वेतन। तो प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को जल्द ही 1 महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। परिवहन निगम आंदोलन में हुए नुकसान की कर्मचारियों से वसूली करने के निर्देश दिए हैं। तो वेतन के लिए आंदोलनरत हैं कर्मचारी, महाप्रबंधक ने निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को भर्ती परीक्षा में जिम्मेदारी। तो अधीन सेवा चयन आयोग माध्यम से होने वाली समूह ग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन और पुलिस को आवेदन को जिम्मेदारी सौंपी है। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की चेकिंग और सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिले के DSP को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। यदि किसी स्तर पर परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कैंपा योजना में 10,000 लोगों को के रोजगार का रास्ता साफ। तो प्रदेश में कैंपा योजना के तहत 10,000 लोगों के रोजगार का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। चिन्याली सौंण हवाई पट्टी पर वायुसेना का AN-32 विमान पहुंचा।
तो 4400 उत्तरकाशी खबर है जहां पर हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना की मल्टी पर्पज AN-32 विमान ने लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। चीन के साथ तनातनी के बीच यहां हवाई पट्टी पर सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। महेश नेगी पर सख्त फैसला ले सकती है भाजपा, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब सोचना जरूरी है, एक दो दिन में फैसला लेंगे। तो 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी विपक्ष को नहीं देना चाहती कोई भी मुद्दा। वहीं खबर ऐसी कैसे जहां पे सड़क किनारे डेरे में सो रहे बागड़ियों पर चढ़ा ट्रक, दो की मौत दो घायल हो गए हैं। दूसरे दिन भी नहीं हो सकी हंसी प्यारे की काउंसलिंग, तो राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विभाग को दिए थे निर्देश, अभी भी सड़कों पर भटक रही है माँ और बेटे। ऋषिकेश पहुंचे NS डोभाल, तो निजी दौरे पर हैं डोभाल, आगमन पर अलर्ट, 3 जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। हिमाचल में आएगा हमारे जीवन काल का अगला बड़ा भूकंप, दून भी जद में है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई सिलसिलेवार भूकंपों के साथ हमारे जीवन काल का अगला बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8 या उससे भी अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के आसपास घनी आबादी वाले देशों में इससे भारी तबाही मचेगी और राजधानी दिल्ली भी इसकी जद में आएगी। हालांकि ये भूकंप कब आएंगे इसका अनुमान फिलहाल नहीं लगाया गया है। वैज्ञानिक का मानना है कि अगले 100 साल में इनके आने की संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली हिमालय पर्वतमाला एक बार फिर कई सिलसिलेवार भूकंपों का गढ़ बन सकती है। इसके पहले भी यह क्षेत्र भूकंप का गढ़ बन चुका है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो अष्टमी और नवमी कन्या पूजन के लिए उत्तम मुहूर्त कल है, तो सुबह 7 बजे हो रहेगी अष्टमी, नवमी से मिलती तारीख में अष्टमी पूजन होता है सुबह। वही खबर आई है देहरादून से ही जहां पे मुजाहिद ने लखनऊ में की थी छात्र नेता की हत्या, तो कुख्यात जीवा का विश्वास जीतने के लिए मुजाहिद ने लखनऊ में छात्र नेता की हत्या कर दी थी। इसके बाद से जीवा उसे हर काम के लिए पैसे देता था, जीवा ही उसकी हर बात जमानत कराता था, लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा समय से खुद जीवा ही जेल में बंद है, तो उसके पास कोई भी काम नहीं आ रहा था। कोरोना से युवक समेत 4 मरीजों की मौत हो गई, तो देहरादून से खबर है जहां पे जिले में 107 कोरोना संदिग्ध मामले सामने आए, MBBS की काउंसलिंग 27 से होगी, तो देश भर में चिकित्सा संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के 15% सीटों की दाखिले के लिए 27 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। वही खबर है देहरादून से जहां पे घायल कोबरा कार के इंजन में घुस गया, तो देहरादून से खबर आई है DM ने 24 घंटे में मांगा साइकिलों का ब्यौरा, तो भवन और अन्य आसन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बांटी थी साइकिलें। स्कूल कॉलेज बंद, आवेदन सत्यापन को भटक रहे छात्र, तो समाज कल्याण विभाग में SC ST वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप के आवेदन तो शुरू हो गए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने से ज़्यादा छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आवेदन के लिए स्कूल प्रबंधन से सत्यापन अनिवार्य है। दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू, आज से होंगे अनुष्ठान, तो श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रहेगी रोक, सोशल मीडिया पर किया जाएगा लाइव प्रसारण। दून अस्पताल में खोलेंगे 5 नए विभाग, मिलेगा बेहतर इलाज, तो प्रशासन ने भेजा कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग खोलने का प्रस्ताव। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो बर्फ का केदारपुरी के श्रद्धालुओं ने लिया आनंद, जोशी मठ में भी बारिश हुई है। भूविज्ञानिक के सुझाव पर हटाए बड़े पत्थर, तो तोता घाटी में वाहन संचालन को लेकर के आज निर्णय होगा। हाथी ने महिला को झाड़ियों में फेंका, घायल हो गई, तो कोटद्वार से खबर आई है। दुष्कर्म का विरोध करने पर छात्रा का सिर फोड़ा गया है, तो पौड़ी से खबर आई, जहां पे गंभीर घायल बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया। राज्य आंदोलनकारी सतीश सेमौल का निधन हो गया है, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। पॉलिटेक्निक संस्थान में जारी रहेंगे प्रवेश, तो अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा को दिए संस्थान संचालन के निर्देश, तो पौड़ी से खबर आई है।
वहीं खबर है लमगांव टिहरी से, जहां पे सहारा क्लब के नाम रहा ओणेश्वर महादेव ओपन का मैच। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर असिस्टेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो कर्मचारी बीमा निगम में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पर 24 है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो इसका जो है साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती होगी। तो 28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे साक्षात्कार की डेट रखी गई है। स्टेनोग्राफर की रिक्तियाँ समय पर करें, तो SSC में वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो SSC की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं 4 नवंबर तक, और इसकी अंतिम तिथि है, तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के पदों पर मौका, तो 195 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 4 नवंबर रखी गई है। अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन, तो THDC उत्तराखंड में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो 28 नवंबर तक इसमें बात डेट रखी गई है। खबरों की, तो 39 करोड़ रुपए से 235 बेड का हो जाएगा जिला महिला अस्पताल, तो धनराशि मंजूर, दिसंबर में शुरू होगा 200 बेड के लिए भवन का निर्माण। वहीं खबर है, कहीं हाथी तो कहीं गुलदार का डर, लोग कैसे निकले बाहर, तो भेल में फिर गुलदार दिखा है, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं हाथी के हमले से महिला घायल हो गई, तो लालडांग से खबर आई है। 7 माह बाद दौड़ी जबलपुर और बांद्रा एक्सप्रेस, तो बृहस्पतिवार को हरिद्वार से करीब 700 यात्रियों को लेकर के रवाना हुई है। झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने के 2 आरोपी को धरा गया है, तो हैदराबाद से खबर आई है। वहीं 5 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, तो श्यामपुर से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो रामनगर से भीम ताल तक बाघ तेंदुए की दहशत, तो साथी को बचाने के लिए बाघिन से भिड़ गई महिला, तो बिजरानी के आरक्षित वन क्षेत्र की पिरुमदारा में बाघिन तेंदुए के हमलों में 2 महिलाएं समेत 3 लोग घायल हो गए। हमले के दौरान अपनी साथी को बचाने के लिए एक महिला बाघिन से भिड़ गई। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे पति और देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया, तो सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, तो बनभूलपुरा पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति और देवर के खिलाफ दुष्कर्म और सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इस मुकदमे की जाँच कर रही है। वहीं हल्द्वानी से खबर, जहाँ पर वाहन शोरूम के मालिक दंपति सहित 3 पर मुकदमा, तो कोतवाली पुलिस ने शहर के प्रतिष्ठित वाहन शोरूम के मालिक दंपति और चालक के खिलाफ धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। अष्टमी व्रत आज कल होगा पारायण, तो सुबह 6:57 अष्टमी शुरू होगी, शनिवार 6:58 तक रहेगी। MBPG कॉलेज में नए प्राचार्य की तलाश, 5 नाम भेजे गए हैं, मेरिट के नाम आया फिर भी दाखिला नहीं, तो MBPG कॉलेज में प्रवेश संबंधी 55 शिकायतें सामने आई। बिना परीक्षा छात्रों को कर दिया फेल, तो खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय DSV परिसर में परीक्षा में विश्वविद्यालय एवं परिसर प्रशासन के बीच संवादहीनता की वजह से बिना परीक्षा हुए ही परीक्षार्थियों को फेल कर दिया गया। परीक्षार्थियों की जद्दोजहद के बाद परीक्षा तो हुई, पर अब वे अंक पत्र के लिए भटक रहे हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो वेतन भुगतान के लिए कर्मियों का हुंकार, तो पिथौरागढ़, लोहाघाट और टनकपुर में रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। -8 डिग्री तापमान में सीमा की निगरानी कर रहे हैं जवान, तो खबर आई पिथौरागढ़ से। वहीं नेपाल के 87 पेंशनरों ने बैंक से निकाले 52 लाख रुपए, तो नेपाल भारत सरकार की सहमति से दूसरे दिन भी 6 घंटों के लिए झूला पुल खोला गया। वह खबर आई अल्मोड़ा से, जहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय में SSJ विश्वविद्यालय के बीच गेस्ट फैकल्टी के पदों पर नियुक्ति का विरोध किया गया है। पुलिस ने किया सूदखोर को गिरफ्तार, जेल भेजा गया है, तो खबर आई है पिथौरागढ़ से। डूबा नहीं मेरे पोते की हत्या हुई है, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे 1 महीने संदिग्ध हालत में मृत मिले सौरभ के दादा ने जताई हत्या की आशंका। बंद नहीं होगा चंपावत का पॉलिटेक्निक, तो काम आया लोगों का दबाव, फिर शुरू होगा प्रवेश। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे फूफा को लगा दी 8 लाख की चपत, तो अमेजन में अकाउंट बनाकर लाखों की ऑनलाइन खरीद, रिटायर्ड सूबेदार फूफा के घर में रहता था आरोपी। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो SSP
न मिलने से किसानों में गुस्सा है। तो नाराज किसानों ने खुद ही बंद करा दी खुली बोली में सिर्फ 24 ट्राली धान बेचा गया। पार्षद हत्याकांड में संदिग्ध से मिले एम सुराग, तो एसएसपी डीएस कुंवर ने कहा कि भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने आए शूटर और स्थानीय बदमाशों के करीब है। बरेली में दबिश देने के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं। बीटेक पाठ्यक्रम की ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग 26 अक्टूबर से होगी। तो काउंसलिंग शुरू, 2000 रुपये प्रवेश के लिए अंतिम मौका है।